हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट इन दिस ऑनलाइन क्लास। दिस इज हरीश गंगवार एंड टुडे इन द कोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी आर हियर टू लर्न हाउ टू रिमूव टू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी मूव फॉरवर्ड टू द मेन टॉपिक, द रिमूवल ऑफ टू। हाउ कैन वी remove two without changing any meaning? See, my dear students, we can change the form of a sentence containing the adverb two as shown below. पहले आप लोग examples देख लेंगे, जितना भी दिखाया गया है कैसे कैसे इन्होंने change किया हुआ है। The first sentence, the news is too good to be true. सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, क्या करना होता है हमको। अब देखिए, दोनों साइड में एक ही सब्जेक्ट जब होता है, न्यूज़ के बारे में बोला गया है और न्यूज़ के बारे में इधर बोला गया है कि न्यूज़ इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टू को सो में। टू इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सो एंड दिस टू इज सब्स्टिट्यूटेड बाय दैट। टी डबल ओ टू इज सब्स्टिट्यूटेड बाय सो एंड टी ओ टू इज सब्स्टिट्यूटेड बाय दैट। बाकी चीज़ें सेम हैं। देखिए, फिर दैट के बाद हमें सब्जेक्ट रखना पड़ता है, दैट के बाद सब्जेक्ट ज़रूर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा आएगा, जो इधर है, द न्यूज़। दोबारा हमें दो न्यूज़ रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसका प्रोनाउन रख लेंगे इट। क्लियर? इट के बाद हमें कैन नॉट रख देना है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्म, टू भी हट गया, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, यानी न्यूज़ इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। सेंटेंस थोड़ा लंबा हो जाता बस, लेकिन मीनिंग सेम है। एंड जस्ट लाइक दैट, द मैंगो इज टू अनराइप टू बी ईटन। डायरेक्टली क्या करना है, सो एंड दैट द मैंगो। मैंगो की जगह हम ही या शी तो रख नहीं सकते, इसलिए इट रखा हुआ है सब्जेक्ट की जगह, कैन नॉट और बी ईटन। क्लियर? थर्ड सेंटेंस, टू हैवी टू बी लिफ्टेड। तो क्या करना है, सो एंड दैट, सब्जेक्ट इट लगा दिया बॉक्स की वजह से, एंड कैन नॉट बी लिफ्टेड। अब यहाँ देखिए, इन फोर्थ सेंटेंस द सब्जेक्ट इज ही, सब्जेक्ट ही है इसलिए दैट के बाद ही आ गया इधर, क्योंकि वही इल है और वही स्कूल जाएगा। दोनों एक्शन जब एक ही बंदा कर रहा है परफॉर्म, तो दोनों साइड में एक ही सब्जेक्ट लग जाता है, बिल्कुल बिगनिंग में एंड आफ्टर दैट आल्सो। और इसके बाद हम कैन नॉट रख देते हैं। कैन नॉट कब रखते हैं, जब इधर सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, तो इधर कहीं नॉट लगा हुआ नहीं है, तो इधर कैन नॉट आ जाता है। क्लियर? इसी तरह सो एंड दैट, सब्जेक्ट आ गया इधर ही, कैन नॉट, बैग। अब देखिए, इन्होंने कैन नॉट और विल नॉट दोनों का यूज़ किया है। माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम कैन नॉट और विल नॉट दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? देखिए, कैन नॉट हम कब यूज़ करेंगे, कैन नॉट हम यूज़ तब करेंगे जब वो कर सके, जब वो कर ही नहीं सके, मतलब उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। सपोज़ करो कोई एक लैम पर्सन है, लंगड़ा व्यक्ति है, तो वो तेज़ नहीं दौड़ सकता, कैन नॉट रन फास्ट, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। तो वहाँ पर हम कैन नॉट ही लगाएंगे, क्योंकि अगर वो चाहे भी तब भी दौड़ नहीं पाएगा। तो जहाँ इंसान करना चाहे और ना कर पाए किसी इनएबिलिटी की वजह से, असमर्थता की वजह से, तो हम कैन नॉट का ही यूज़ करेंगे।
विल नॉट हम कब यूज़ कर सकते हैं? जब वो कर पाए लेकिन करे ना, जब वो कर सकता है लेकिन करे नहीं. सपोज करो ही इज़ टू एंग्री टू मेक अ रिक्वेस्ट. यानी कोई इंसान है वो इतना गुस्से में है या फिर इतना घमंडी है कि वो माफ़ी नहीं मांगेगा. घमंडी है इंसान, मांग सकता है माफ़ी, मांग सकता है नहीं मांग सकता. और उसमें कोई इनेबिलिटी तो है नहीं कि नहीं भाई मैं माफ़ी मांग ही नहीं सकता, कि ये वजह है मेरे पास कि मैं कमज़ोर हूँ इसलिए माफ़ी नहीं मांगूंगा. वो कर सकता है लेकिन करेगा नहीं. इसीलिए यहाँ पर वो इतना प्राउड है, वो इतना अपने आप में घमंडी है, या फिर आप ये समझ लो कि अपने आप में ज़्यादा प्राउड फील करता है, कि वो बैग नहीं करेगा यानी भीख नहीं मांगेगा, भीख नहीं मांगेगा या फिर रिक्वेस्ट नहीं करेगा. मतलब वो कर सकता है रिक्वेस्ट या बैग कर सकता है लेकिन करेगा नहीं. तो हम विल नॉट का यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ कैन नॉट. कैन नॉट का यूज़ हमें तब करना है जब इंसान कर ही ना पाए, उस काम को नहीं कर पाए, कोई ऐसी इनेबिलिटी है उसके अंदर, कोई ऐसी वीकनेस है जिसकी वजह से वो नहीं कर पाएगा, तो हम सिर्फ कैन नॉट यूज़ करेंगे. एंड उसके अंदर कोई इनेबिलिटी नहीं है, बस वो करेगा नहीं, तो हम विल नॉट का यूज़ करेंगे. क्लियर? कुछ और रूल्स को हम देख लेंगे यहाँ. नोट द फॉलोइंग. द वर्ड्स टू एंड टू आर सब्स्टिट्यूटेड बाय द वर्ड्स सो एंड दैट. मैंने क्या कहा था? टू एंड टू आर सब्स्टिट्यूटेड बाय सो एंड दैट. यानी इस टू की जगह सो एंड इन प्लेस ऑफ दिस टू दैट. क्लियर? व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग द सेंटेंस, पहला काम तो यही करना है. इस टू की जगह दैट सो रखना है और इस छोटे वाले टू की जगह दैट रखना है. क्लियर? सेकंड पॉइंट, इफ द सेंटेंस कंटेनिंग द वर्ड्स टू एंड टू इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, मैंने कहा कि अगर नेगेटिव नहीं है तो हमें कैन नॉट रखना है. इट चेंजेस टू अ नेगेटिव सेंटेंस, तो इसे नेगेटिव में चेंज करते हैं और इसीलिए हम कैन नॉट का यूज़ करते हैं. कैन नॉट इज़ यूज्ड एज इन द अबव सेंटेंसेस. जैसे हर सेंटेंस में कैन नॉट का यूज़ हुआ है, बिकॉज ये जो ऊपर वाले सेंटेंस है ही इज़ टू इल टू गो टू स्कूल, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इज़न्ट इट? इसलिए इसे नेगेटिव में चेंज किया है. थर्ड पॉइंट, इफ़ द सेंटेंस कंटेनिंग द वर्ड्स टू एंड टू इज अ नेगेटिव सेंटेंस. सपोज को करो अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या करेंगे? तो पॉजिटिव में चेंज होगा, तो सिर्फ कैन रखा जाएगा. ठीक है? इट चेंजेस टू अ पॉजिटिव सेंटेंस व्हेन ट्रांसफॉर्म्ड एंड द वर्ड कैन नॉट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड कैन. तो फिर कैन नॉट की जगह पर हम सिर्फ कैन रखेंगे अगर सेंटेंस नेगेटिव है. जैसे यहाँ पर है, ही इज़ टू स्टूपिड नॉट टू मेक अ मिस्टेक. तो यहाँ पर नॉट है लगा हुआ, इसलिए हम कैन नॉट की जगह सिर्फ कैन रखेंगे, नॉट ऊपर चला गया. क्लियर? ही इज़ सो स्टूपिड दैट ही कैन मेक अ मिस्टेक. ये सभी तरीके हैं. डियर स्टूडेंट्स, इन नॉर्मल सेंटेंसेस के अलावा कुछ थोड़े टफ सेंटेंसेस भी होते हैं कभी कभी. एंड लाइक दिस, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट. यहाँ पर बीच में फॉर यू रखा हुआ है. क्लियर? कहीं बीच में फॉर यू रखा मिलेगा, फॉर मी रखा हुआ मिलेगा, या फॉर हिम रखा हुआ मिलेगा. तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या रखें? फॉर यू है तो यू सब्जेक्ट आ जाएगा, फॉर हिम है तो ही सब्जेक्ट हो जाएगा, फॉर हर है तो शी हो जाएगा सब्जेक्ट, फॉर मी है तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा. बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए. जैसे ये सेंटेंस है तो कैसे चेंज होगा? इट इज़ सो हॉट दैट, ठीक है, दैट तो हम लगाते हैं. इट इज़ सो हॉट दैट, अब यहाँ पर फॉर यू लिखा हुआ है तो यू सब्जेक्ट बन जाएगा, दैट यू
कैन नॉट गो आउट, ठीक है, कैसे हो जाएगा? इट इज़ टू हॉट, इट इज सो हॉट फॉर यू, हम हटा देंगे दैट रखेंगे, फॉर यू जो हटाया है वो सब्जेक्ट यहाँ बन के जाएगा दैट के बाद, और यू सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, ये बीच में रखा हुआ है इसलिए अब इस वाले सब्जेक्ट से कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हॉट है वो सब्जेक्ट यहाँ अलग है, लेकिन जाने वाला कोई और होगा यहाँ पर यू है, इसलिए फॉर यू सो हॉट दैट यू कैन नॉट गो आउट, ठीक है, दैट यू कैन नॉट गो आउट, इस तरह से सेंटेंस ट्रांसफॉर्म होगा। अगर यहाँ फॉर मी होता, सपोज़ करो अगर यहाँ फॉर मी होता तो हम दैट के बाद सब्जेक्ट जो बनाते वो आई होता, क्लियर। अगर यहाँ पर फॉर हिम होता तो हम दैट के बाद सब्जेक्ट ही रख देते, क्लियर, लाइक दिस। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, समटाइम्स नो सब्जेक्ट इज़ गिवन इन द सेंटेंस, सब्जेक्ट दिया हुआ होता ही नहीं है, जैसे यहाँ फॉर यू दिया हुआ है, फॉर यू या कुछ भी नहीं होगा, फॉर हिम फॉर मी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कोई दूसरा ही होगा, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट, यानी हॉट तो है, गर्मी है, ठीक है, लेकिन गर्मी बाहर नहीं आएगी, बाहर कोई और जाएगा, तो इधर का सब्जेक्ट अलग है और इधर का सब्जेक्ट अलग होगा, दोनों एक्शन एक सब्जेक्ट से परफॉर्म नहीं हो रहे हैं, क्लियर। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, या तो आप वी रख दीजिए दैट के बाद, या फिर आप वन रख दीजिए, इट इज़ सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, क्या हो जाएगा, इट इज़ सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, या फिर इट इज़ सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट, वी या वन में से आप कुछ भी रख दीजिए, जब यहाँ पर कुछ भी सब्जेक्ट रखा हुआ नहीं है और अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हैं, इट इज़ टू डार्क टू गो आउटसाइड, ओके, दिस इज़ एन एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, डार्क तो है, अंधेरा है, वो अलग है, अंधेरा बाहर नहीं आएगा, कोई और जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम दैट के बाद या तो वी रख देंगे या वन रख देंगे, इट इज़ सो डार्क दैट वन कैन नॉट गो आउटसाइड, इट इज़ सो डार्क दैट वी कैन नॉट गो आउटसाइड, जस्ट लाइक दिस, हम इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, गॉट इट। एंड नाउ दिस इज़ योर होम असाइनमेंट, नोट इट डाउन। Pause the video and note down all the sentences and transform them. I hope that you don't have problem while transforming the sentences because I have given you all the rules. And yet, if there is any problem, you can ask me. Okay, thanks for watching the video. Have a wonderful day.